हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। आज की वीडियो में जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारे पीछे ये दो बुलेट आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि ये भी बुलेट इलेक्ट्रा है, वो भी बुलेट इलेक्ट्रा है, लेकिन ये बुलेट BS3 इलेक्ट्रा है, वो जो है BS6 इलेक्ट्रा है। जैसा कि और इस बुलेट के ओनर हैं हम, इस वाले गाड़ी का और उस वाले गाड़ी का ओनर है ये। तो ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ ये गाड़ी जो है रेड वाली जो इलेक्ट्रा है, इसमें जो पहले BS6 में थी लेकिन वर्तमान में ये BS3 हो चुकी है। ठीक है, तो BS3 कराने का क्या रीजन है और ये ओनर जो है इसको BS3 क्यों करा दिए हैं, तो आज की वीडियो में इसी को क्लियर करेंगे। यही हम पूछेंगे ओनर से, आप लोगों को पूरा एक्सपीरियंस मिलेगा कि BS6 को BS3 क्यों करा दिया गया है, क्या कारण है, तो सारा कुछ जानने को मिलेगा। जैसे कि ये बाइक देख सकते हैं, तो ये हमारी BS3 है और ये वर्तमान में फर्स्ट क्लास चली है, पूरा मस्त है, 2015 मॉडल है। ठीक है, अभी भी बढ़िया चली है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो है 2021 मॉडल है गाड़ी, और इस गाड़ी को अभी जो है वर्तमान में BS3 करा दिया गया है। 2 ही 3 साल के अंदर इसमें क्या दिक्कत आई या फिर क्या परेशानी हुई ओनर को, इसको BS3 करा दिए हैं, तो सारा कुछ पूछते हैं ओनर से। तो सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए ऑडियंस को, सारा कुछ अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए। हेलो गाइस, हमारा नाम संदीप है और ये हमारी बाइक है, इसका BS6 इलेक्ट्रा 2021 मॉडल है और इसमें इस टाइम ये BS3 में कन्वर्ट हो चुकी है, पहले तो ये BS6 थी और इसमें प्रॉब्लम में हल्का फुल्का प्रॉब्लम आती थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम एक बार आई तभी से तो हमने इसे BS3 में कन्वर्ट कर दिया। जैसे 2021 मॉडल गाड़ी है आपकी जी, ठीक है, तो अभी इसमें 2024 है, ठीक है, तो बीच में 2-1 साल में आपको क्या क्या परेशानियां झेलना पड़ा जा रहा, थोड़ा बता दीजिए ऑडियंस को, जैसे कि जिन लोगों के पास BS6 बाइक है थोड़ा उन लोगों को लेने से पहले भी अगर लेने वाले हैं तो लोग थोड़ा सोचेंगे उस बारे में, तो जरा बता दीजिए क्या क्या दिक्कत आ रही थी बीच बीच में आपको। जैसे हम लोग शुरू से ही BS3 या BS4 यही सब गाड़ियां चलाए हैं, इसका जो हम लोगों को अनुभव रहा है उस हिसाब से इसका कभी अचानक में लाइट बंद हो जाता था, फिर कभी इसका ये सेल्फ नहीं काम करता था, कभी इसका स्टार्टर बटन ऑन ऑफ वाली ये बंद हो जाती थी, इससे हमें प्रॉब्लम आती थी, कहीं नाइट में गए अचानक में लाइट बंद हो जाए, नाइट नाइट में चलते चलते लाइट इसकी जो है बंद हो जाती थी बीच में, इसकी लाइट बंद हो जाती थी और बीच में इसका मतलब सेल्फ वाला भी कमी आ जाता था, कभी सेल्फ बंद हो जाए, कभी इसका ऑन ऑफ की बटन भी प्रॉब्लम आ जाती थी और कभी इसमें एक रील होती है वो रील जल जाती थी, मतलब स्टार्टिंग प्रॉब्लम भी आ जाती थी, स्टार्ट नहीं होती थी, जैसे इसमें इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम आती है, मतलब ये पूरी गाड़ी इलेक्ट्रिक ही कर दी है सारा, क्योंकि इसमें इंजन ये क्या है कि टैंक में भी मोटर फिट कर दिया है। हाँ जी सर, इसमें टैंक में मोटर फिट है, जो मोटर इसके मतलब फ्यूल जब अभी बैटरी कनेक्शन सही रहेगा तभी जो है फ्यूल जाता है और तभी स्टार्टिंग होती है। तो अभी BS3 है जो, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, BS3 में क्या है कि आपका जो यहाँ से मैनुअल वाला होता है आयल खोलने के लिए, जैसा कि यहाँ पर लगा होता है, तो ये बहुत अच्छी बात है मैनुअल में होता है, तो इससे क्या होता है कि अपना आप चाबी लगाइए, वो बैटरी इसका फुल चार्ज नहीं है, फिर मतलब बैटरी हल्का भी इसका नेविगेशन आ रहा है तो आसानी से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन BS6 में क्या है कि बैटरी आपकी एकदम फर्स्ट क्लास रहना चाहिए, तभी जो है ये गाड़ी स्टार्ट होगी, फर्स्ट क्लास चलेगी, क्योंकि सारा कुछ इलेक्ट्रिक से ही है, कि इसका जो ऑयल मोटर है वो भी जो है बैटरी से चलता है, जैसे ही आप चाबी ऑन करेंगे तभी जो है ऑयल पंप चालू होगा, यानी कि तेल जाएगा इंजन में, और बाकी सारा चीज इलेक्ट्रिक कर दिया इसमें। तो और क्या दिक्कत हुई है इसमें आप जरा, कभी मान लीजिए बटन ऑन किए मोटर स्टार्ट नहीं होता था, कभी कौन सा मोटर, इस टैंक का मोटर, टैंक वाला मोटर जो इसका फ्यूल इंजेक्शन देता है वो मतलब फ्यूल नहीं पास कर रहा था, नहीं पास करता था, ये बंद हो जाता था कभी कभार, उसके लिए भी हमें मैकेनिक को दिखाना पड़ता था। तो बीच में चल रहे हैं, मान लीजिए कहीं सफर कर रहे हैं आप अपने परिवार के साथ ही सफर कर रहे हैं किसी को साथ में, तो बीच में ये क्या होता कि रास्ते में चलते चलते इनका जो है ये नेविगेशन ऑन करने के पे इसका फ्यूल पंप नहीं चल रहा था, तो फ्यूल पंप जब नहीं चलता तो ये गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती है, क्योंकि ऑयल जाएगा नहीं तो स्टार्ट नहीं होता था, वो दिक्कत आ रही थी। और यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये जो रिले है ये भी कभी कभी काम करना बंद कर देता था, तो रिले बहुत होती है और ये रिले कभी कभी अपने आप खराब हो जाती, मतलब जल जाता था, और इसमें छोटा छोटा फ्यूज होता है, जो ये लाइट का फ्यूज है ये कभी अपने आप फ्यूज उड़ गया, कहीं इसका ये चीज खराब है, मतलब 2-3-4 चीज आप बहुत ही बराबर इसका सामना कर रहे हैं, कमी आ रही है। ठीक है, तो वैसे बहुत अच्छी बाइक है, ये सारी चीजें जो है मतलब खर्चा बराबर आता रहता है, कुछ समय गाड़ी तो सारा कुछ मेंटेनेंस टाइम से सर्विसिंग कराओ, हर एक चीज सेट रखने के बाद भी कभी कभी ये प्रॉब्लम आती थी, इसलिए हमें थोड़ा दिक्कत होती, मतलब पूरा इसका फिटनेस रखने के बाद भी ये ऊपर से दिक्कत मतलब बराबर आ रही थी, छोटी छोटी दिक्कतें आती ही रहती, तो रास्ते में चलने में ये सारी समस्या बहुत ज्यादा झेलना पड़ता है, और अब गाड़ी को धक्का लगानी पड़ती थी, क्योंकि स्टार्ट नहीं होगा तो फिर धक्का लगाना पड़ेगा, कहीं जा रहे हैं अचानक से, अब जा रहे हैं रास्ते में लाइट बंद हो जाती थी,
तो ये सभी तामझाम आप झेलते हुए जो इसको BS3 करा दिए, तो BS3 कराने का रीजन यही है? नहीं, BS3 कराने का रीजन ये रहा कि ये BS6 जिस टाइम थी उस टाइम तो माइलेज सारा कुछ सही था। तो जैसे BS6 जब थी तो ये माइलेज कितना का दे रही थी उस समय? 42+ देती है, ये बाइक बहुत अच्छी सेगमेंट में है। इसका यही जो इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ही है, सारी समस्या आ रही थी, एक बार ऐसे हम चलते चलते इसमें सारी रिले ऑटोमेटिक अपने आप जल गई और गाड़ी की स्पीड भी सारी रिले जल गई एक ही बार में सारा कुछ जल गया। फिर हमने मैकेनिक को दिखाया, स्टार्ट नहीं हो रही थी, ब्लैक धुआं दे रहे थे, तो उसको दिखाया तो वो बोला कि इसका हाफ इंजन बनाना पड़ेगा। फिर हमने कहा इंजन बनाना पड़ेगा, दूसरे मैकेनिक पास हम ले गए, वो बोला इंजन तो इसका इंजन सही है, बस इसके जो रिले है ये खराब हो चुकी है, और रिले खराब हो चुकी है, पूरा रिले सेट किया नहीं हुआ। फिर कहा इंजेक्टर खराब हो गया, इसमें इंजेक्टर होता है कार्बोरेटर की जगह, हाँ यहाँ पर कार्बोरेटर होता नहीं है इसमें कार्बोरेटर होता नहीं, इंजेक्टर होता है, वो बोला इंजेक्टर खराब हो गया। इंजेक्टर चेक किया, इंजेक्टर भी सही था, फिर भी प्रॉब्लम नहीं समझ पा रहा था। तो जैसे ये तो एजेंसी में सेट हो सकती थी, बशर्ते इधर उधर के जो छोटे मोटे मैकेनिक हैं उनके पास इसका वो इलाज नहीं था, वो सब चेक किए और बोले कि भाई ये समझ में नहीं आ रहा है, तो सब बोले इसको BS3 करा लीजिए। तो BS3 का जो हमें अनुभव है, हर कोई इस टाइम बहुत दिनों से तो BS3 बाइक, मतलब BS3 अभी जो कराने का कितना समय हुआ BS3 कराए हुए? 2 से 3 महीने, 3 महीने करीब हो गया, 3 महीने BS3 कराए हुए हो गया। और जो BS6 अगर 3 महीने आप चलाए होते तो उसमें मतलब आप बहुत सारा खर्च कर चुके होते, बिल्कुल ये बंद हो चुकी थी एक प्रकार से, एकदम गाड़ी आपकी डेड हो गई थी, मतलब बंद हो गई थी, स्टार्ट कुछ नहीं हो रही थी, ब्लैक धुआं उठा रहा था, सोचता था कि हमारी बाइक इतनी अच्छी है और फिर ये बंद हो गई है, ब्लैक धुआं देती थी और फ्यूल इंजेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, बहुत ज्यादा पेट्रोल, मतलब जो उस समय बनवा रहे थे तो आपका ऑयल बहुत ज्यादा खा रहा था, बहुत ज्यादा तेल खाता था, जहाँ जाते थे वो बोलता था कि पेट्रोल डालो। उस समय मतलब बनवाने वक्त जो है 10-12 लीटर इन्होंने पेट्रोल खर्च कर दिया था, उस समय बाद भी जो BS6 में गाड़ी सही नहीं हुई, 1200 हमने बिल्कुल इसको सिर्फ पेट्रोल करने में पेट्रोल जला दिया और पेट्रोल उसके बावजूद भी BS6 में नहीं हो पाई, मतलब BS6 में सही नहीं हो पाई BS6 में, तो 2-3 मैकेनिक के पास इन्होंने दिखाया। उसके बाद आप क्या किए कि इसको पूरा BS3 करा दिए हैं? इसको हमने वो मैकेनिक खुद बोला कि भैया इसको BS3 करा लीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और वैसे तो इंजेक्टर बोला कि खराब है, तो बोला इंजेक्टर 10,000 कुछ समथिंग के लगभग, इंजेक्टर ओनली इंजेक्टर 10,000 का आ रहा था। उसके बाद बोला इसमें जो मॉनिटर है वो 12 से 14 हजार का आएगा अगर ये खराब होगा। फिर बोला कि इसमें जो फ्यूल पंप है उसको भी उसने चेंज करके देखा, वो भी नहीं सेट हुआ। तो हमने कहा इसकी अगर आपको बीमारी, हमें बार बार एजेंसी हमारे यहाँ से दूर पड़ जाती है, कितनी बार ले जाएंगे इसको, इससे हमें प्रॉब्लम हुई। तो वो बोला कि आपका जितने में इंजेक्टर आएगा उससे 1,000-2,000 और लगा देंगे, तो हम इसको BS3 करा देंगे, आप जैसे चलाते आए हैं आपकी गाड़ी खत्म हो जाती है लेकिन आपका वो प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसे BS3 में गाड़ी मतलब चलते चलते बंद हो जो है ये समस्या नहीं आएगी, बहुत ज्यादा खर्च नहीं आता है? जब से हमने BS3 कराया तब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब से मस्त चले, पूरा बढ़िया है, बिल्कुल अच्छी चल रही है। तो जैसे माइलेज भी इसका पहले तो 42 का देती था, समथिंग 47-48 का माइलेज दे रही है, माइलेज भी बढ़ गया BS3 कराने के बाद, 5 से 6 किलोमीटर माइलेज बढ़ जाता। तो BS3 जब आप कराए तो उस समय कितना खर्च आया है जरा बताइए? BS3 कराने का उसको तो हमने 12,000 दे दिया था और कुछ सामान ऐसा छोटा मोटा जो 1,000-1,500 का और लगा दिया है, टोटल वही 12 से 13 हजार के लगभग, मतलब उसे सीधा सीधा मान लीजिए 15,000 के अंदर ही आपका जो ये गाड़ी है BS3 हो गई। हाँ, 15,000 से 1,000-2,000 कमी हुई उस समय जब इसको BS6 में आप बनवा रहे तो इंजेक्टर 10,000 का आ रहा था, फिर ये सारे समस्या मतलब 20-30 हजार पड़ जा रहा था। वैसे इसका बोला जो वो सबके बताने के हिसाब से 30,000 का खर्चा आता, और फिर कुछ दिन बाद फिर वही प्रॉब्लम, वही प्रॉब्लम फिर आपको आती, कहीं रिले खराब होता, कहीं वायरिंग खराब होती, कहीं लाइट खराब होता। तो BS3 आपने करा दिया है, तो BS3 में आपको 15,000 का लगभग खर्च आया, और जब से आप BS3 में चला रहे हैं तब से आपकी गाड़ी एकदम ओके चली है, कोई दिक्कत नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं, और माइलेज में भी आपको मतलब बढ़ोतरी, माइलेज भी 2-4 किलोमीटर का फर्क पड़ गया। इसमें 1 प्लग था, इस टाइम इसमें 2 प्लग लग गया। तो हाँ, तो जैसे जब BS3 होती है डबल प्लग, हमारे गाड़ी में भी डबल प्लग है, डबल प्लग हो गई है। तो इसमें जो है BS3 जब आप कराए हैं तो कार्बोरेटर लगा दिया उसने, और BS3 कराने के बाद उसने यहाँ इंजेक्टर होता था, इंजेक्टर की जगह इसमें कार्बोरेटर सिस्टम, फ्यूल पंप मैनुअल लगा दिया, मैनुअल लगा दिया सारा कुछ, कार्बोरेटर लगा दिया, ये सारा वायरिंग भी चेंज कर दिया, वायरिंग सारा चेंज कर दिया, वायरिंग का भी खर्च बता रहा था, बोला था कि 800-900 ऐसे कुछ आता ना वायरिंग, नहीं नहीं है 2200-2300 के लगभग, 2200-2300 खड़ा मतलब पूरे बाइक का वायरिंग जो 2200-2300 की आती है। तो सारा कुछ उन्होंने करने के बाद जो 15,000 खर्च टोटल आया था BS3 कराने में। तो अगर आप लोग BS6 लिए हैं
और बहुत ज्यादा समस्या आ रहा है तो बी एस थ्री कराएंगे अगर, तो आपका 15,000 के अंदर ही सारा कुछ हो जाएगा, बी एस थ्री टोटल गाड़ी आपकी हो जाएगी। तो बी एस थ्री में आपका पूरा मस्त मतलब सब कुछ आप बढ़िया से चल रही है, सब कुछ बढ़िया चल रही है। इसके मैग्नेट चेंज हो जाता है और इसका ये कार्बोरेटर लग जाता है इंजेक्टर की जगह, और इसमें कुछ बहुत ज्यादा पहले तो बी एस सिक्स में बहुत ज्यादा इसमें वायरिंग फायरिंग बहुत ज्यादा उस बॉक्स में होता है, वो सारा चेंज हो गया, इसमें नॉर्मल सी वायरिंग रह गई है और सारा कुछ सादा आपने पहला मतलब सिंपल गाड़ी बना लिया, गाड़ी बना सब कुछ सिंपल हो गया बी एस थ्री में। तो चलने में भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है, मस्त है यार, तो चलती है बिल्कुल जैसे पहले थी वैसे अब भी चल रही है। तो ओनर से आप लोगों ने अनुभव देख लिया बी एस सिक्स में और बी एस थ्री में, क्या इनको देखने को मिला उस तरह से इन्होंने जो है बी एस थ्री करा दिया इस बाइक को। तो अभी बी एस थ्री में फर्स्ट क्लास चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, और जब बी एस सिक्स चला रहे थे तो उसमें बीच बीच में इनको थोड़ा थोड़ा समस्या आता था और मतलब झेलना पड़ता था, तो इन्होंने बहुत सारा परेशान होकर इसको बी एस थ्री कराया हुआ, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, आप लोग ओनर से खुद अनुभव लिए है। और अभी हमारी जो बाइक है ये भी मतलब बी एस थ्री बाइक है, तो बिल्कुल बी एस थ्री हमारी, लेकिन ये जो ओल्ड मॉडल है 2015 मॉडल, तो ये अभी जो 30-32 की माइलेज देती है, लेकिन ये जो पहले गाड़ी थी ये वाली जो इनकी गाड़ी दे रहे बता रहे हैं कि मतलब 40 से प्लस जा रही है पूरा माइलेज, तो इनकी गाड़ी फर्स्ट क्लास माइलेज दे रही क्योंकि नया मॉडल की गाड़ी है, और ये 15 मॉडल गाड़ी है और ये 21 मॉडल गाड़ी, तो इसमें फर्क देखने को मिलता है। बाकी अभी जो है ये ओनर बहुत ही खुश हैं बी एस थ्री कराने के बाद। तो अगर आप कोई बी एस सिक्स लेने चाहता है तो आप उसको क्या कहना चाहेंगे? सबकी अपनी अपनी चॉइस है, वैसे तो बी एस सिक्स में ये छोटी मोटी प्रॉब्लम आएगी, हाँ ये दिक्कत आएगी, कभी ऐसी बड़ी प्रॉब्लम आएगी तो भाई अपने झेलना पड़ेगा, भाई खर्च करना है तो कर सकते हैं, जैसा खर्च है वो कर सकता है, बसरते है हम लोगों के लिए तो ये परफेक्ट हो गई है। अभी ये होने के बाद बी एस थ्री में परफेक्ट चली है, बिल्कुल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। तो अगर कोई बी एस सिक्स बाइक लेना चाहता है या फिर लेने जा रहा है तो थोड़ा आप लोग सोच समझ लीजिए, जैसे कि बाद में चलने के बाद कुछ समय बाद ये थोड़ी थोड़ी समस्या आती है तो ये जाके आगे बहुत बड़ा समस्या हो जाता है, फिर आपको बड़ा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि इसका जो फ्यूल पंप है वो 5,000 का होता है और ये वायरिंग वायरिंग का कनेक्शन मतलब इसका बहुत ज़्यादा खर्च आता है जब आप इसको बनाने जाएंगे। लेकिन जब बी एस थ्री का जो हमारा ये कार्बोरेटर वाला जो इंजन है ना वो बढ़िया इंजन है और फर्स्ट क्लास सस्ते में काम हो जाता है, और ये जो इलेक्ट्रिक वाला सब कुछ हो गया इसमें थोड़ा आपको खर्च ज़्यादा करना पड़ता है। तो आप लोग जिस तरह से मैनेज कर पाते हैं कर सकते हैं, फिलहाल आप लोग देख ही सकते हैं इसको बी एस सिक्स से बी एस थ्री होने में क्या क्या परेशानियाँ हुई हैं, क्या क्या दिक्कत हुई है, उसके बाद जो ये हो चुकी है। तो आप लोगों को अगर वीडियो ये जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और वीडियो को जरूर शेयर करिए। बाकी अगर आप लोग कुछ और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, उसको कमेंट के बारे में हम लोग मतलब जो भी कमेंट करेंगे उसके बारे में अगला वीडियो आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।